सुनो भाई, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? विला का डिजाइन मुझे खासा आकर्षित लगा। कैन वी आस्क क्वेश्चन टू सर? सर, इफ यू हैव 2 मिनट टाइम, वी जस्ट वांट टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज यू गेट फ्रॉम लास्ट? जब आपने लिया था उस टाइम से डिफिकल्टीज कुछ आई नहीं 2009 में? मतलब आपने कब ऐसी सोसाइटी और कोई है यहाँ पे? मेरे को तो एक अच्छी सोसाइटी लग रही, फर्स्ट टाइम हमने विजिट किया मल्टी स्टोरी, तो आप किसी और को रिकमेंड भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है योगेश जोशी और ये है सोनू यादव। हेलो सोनू भाई, आज हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज क्या दिखाने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है इस टाइम पे, स्पेशली नोएडा एक्सटेंशन मार्केट में। जोशी भाई, आज जो हम दिखाने जा रहे हैं वो बहुत से लोगों की डिमांड है, ठीक है। आज लोग जमीन से जुड़ा हुआ एक घर चाहते हैं, नोएडा एक्सटेंशन में इस चीज की बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है हमारे पास। आज उसी तरह का एक प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं जो कि बहुत प्राइम लोकेशन पर है। अभी तक हमने वो देखा नहीं है विला, देखा नहीं तो है। हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम आपको भी दिखाएंगे किस तरीके से वो विला बने हुए हैं। और यहाँ पे अगर मैं नेबरहुड की बात करूँ, सराउंडिंग एरिया नोएडा एक्सटेंशन की बात करूँ सोनू भाई, तो यहाँ पे उसको छोड़ के तीन विला और हैं, तीन विला टाउनशिप और हैं। एक तो राइस रिजोर्ट रेजिडेंसी है, राइट, जो आप चैनल पे देख सकते हैं, हमने पिछले हफ्ते ही डाली है वो। हाँ, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप है जिस कॉन्सेप्ट पे डेवलप हो रही है। हाँ, और सेकेंड नंबर पे आता है पंसीर ग्रीन 2 के अंदर विला बने हैं 20 एकड़ के अंदर, बट उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उतनी खास नहीं है और प्राइजेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रखे हैं नोएडा में एक्सटेंशन में। और थर्ड नंबर के जो विलाज हैं वो विलाज हैं आम्रपाली लेजर वैली, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। देखिए जोशी भाई, इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको, इसके अलावा भी विलाज हैं। कौन से? वो फ्री होल्ड वाले। हाँ, मैं अपने दस्कू से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा कॉल जो आते हैं वो फ्री होल्ड के विलाज के लिए ही कॉल आते हैं। उसके बारे में बताओ थोड़ा यार। उसके बारे में यही बताना चाहूंगा कि आप दर्शकों से निवेदन है, उस तरह की चीज में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि हमें पता है आपकी हार्ड एंड मनी है, पूरी जिंदगी भर की कमाई आपने इकट्ठी करी और आपका सपना था एक घर खरीदने का। अगर वो घर आपके फ्री होल्ड, जो कि लीगल नहीं है, जो कि किसी से अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वहाँ आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। बिल्कुल मत जाइए ऐसे प्रोजेक्ट्स में, वो भले ही आपको सस्ते पड़ रहे हो, पर एक अप्रूव प्रोजेक्ट में जाइए, एक वेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में जाइए, जहां एटलीस्ट आपकी सिक्योरिटी हो कि ये मेरा घर है, यहां मैंने अमाउंट इन्वेस्ट की है, ये मेरे पास है। अगर आपको लग भी रहे, अगर आपको लग भी रहे कि हाँ भाई हम लोग झूठ बोल रहे हैं, ये अपनी मार्केटिंग पिच कर रहे हैं, तो आप ना एक काम करना, सबसे पहले आप नोएडा अथॉरिटी का मैप खोलना, उस मैप में देखना जो विला आप देख रहे हैं, सेक्टर 16 बी में बहुत सारी जगह पे है, मैं एक पर्टिकुलरली विला का नाम नहीं लूंगा कि वो इलीगल तरीके से बना रहे हैं, तो नोएडा अथॉरिटी के मैप में आप जाओगे तो जहाँ पे विला बना रहे हैं वो विला ग्रीन बेल्ट के अंदर है, नोएडा अथॉरिटी के ग्रीन बेल्ट के अंदर वो विला बनाए जा रहे हैं, तो एक तरीके से इलीगल तरीके से वो बनाए जा रहे हैं। तो वहाँ पे आप बहुत श्योरिटी से जाना, बहुत समझदारी तरीके से जाना अगर आपको खरीदना ही है। बट हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आपको फ्री होल्ड की प्रॉपर्टी कोई भी खरीदनी चाहिए इस टाइम पे, जब नोएडा एक्सटेंशन लीज होल्ड प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। तो अभी हम आम्रपाली लेजर वैली पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको विला। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हम रेगुलर वीडियो बनाते रहते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो लेके आते हैं। कर दो लाइक भाई साहब। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ।
आम्रपाली लेजर वैली में पहुंच चुके हैं हम। और आम्रपाली लेजर वैली एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, बट बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे, प्रॉब्लम की बात भी करेंगे इसी वीडियो में। बट हाँ, ओवरऑल व्यू की बात करें, जो यहाँ पे विला बने हुए हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं उस तरीके से बनाए गए हैं। और जो इनका एक होता है ना कि थीम बेस्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं, वो थीम को पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने एक विला खरीद रखा है। एग्जैक्ट जो विला होते हैं वो आम्रपाली लेजर वैली आम्रपाली ग्रुप ने बनाने का सोचा हुआ था और बना के पूरा भी किया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 70-80% विला बने हुए हैं। लोग यहाँ पे 30% से मोर देन 30% से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। और मेरे आसपास ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है, तो 65% जो हमने इसमें पढ़ा था, 65% से भी अब ग्रीन एरिया छोड़ रखी है। क्लब हाउस का काम चल रहा है, ऑलमोस्ट सारे विला कंप्लीट हैं यहाँ पे। सोनू भाई, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके, कैसा लगा, फील कैसा हो रहा है भाई? पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे सोसाइटी अच्छी लगी, क्योंकि कारण है उसका, इसमें बीच बीच में ग्रीन स्पेस भी दिया हुआ है। और जो विला का डिजाइन मुझे खासा आकर्षित लगा, जो डिजाइन है वो काफी अच्छा लगा मुझे इसका डिजाइन। बाकी ये डिजाइन देखे ऐसे राजस्थान की फील नहीं आ रही कि राजस्थान थीम भी इसमें बना रखा है पूरा? बिल्कुल आ रही है, पर थोड़ा सा वही है कि अगर आम्रपाली कोलैप्स ना करता तो ये बहुत शानदार चीज़ होती आज, बहुत शानदार चीज़ होती। और मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप होती है नोएडा एक्सटेंशन। 2009 से ये विला बनने शुरू हुए थे ना, दिसंबर 2009 से, तो इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी होगी यार? कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात तो करते ही नहीं है लोग। देखिए जोशी भाई, मैं जेन्युइन रिव्यू देता हूँ, ये एवरेज क्वालिटी होगी ना, ये तो बिल्कुल वो भी नहीं मान सकते कि बिल्कुल ढांचा है, बिल्कुल ख़राब है। एवरेज क्वालिटी की आपकी कंस्ट्रक्शन है। जो NBCC भी डेवलप कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट बॉडी है, वो भी एवरेज क्वालिटी ही इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कहीं ना कहीं है इसमें। तो ये जो कलर करा रखे हैं, ये जो कलर दिख रहे हैं बहुत अच्छे कलर, ये NBCC ने करा रखे हैं, खुद इंडिविजुअल जिन्होंने अपना विला लिया था उन्होंने करा? नहीं जोशी, ये ना एक गेटेड टाउनशिप है, जैसे रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट जो होते हैं, मतलब एक टाउनशिप में एक सिमिलरिटी मेंटेन की होती है, तो सेम कलर, ये एक बिल्डर का कॉन्सेप्ट था, तो सेम होना, यूनिफाइड कलर होने चाहिए आप गेटेड टाउनशिप के अंदर। यहाँ पे ब्लॉक्स वाइज बना रखे हैं ना जी, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक है इसमें, और टोटल 821 विलाज है। टोटल कितने विला है? 821 के लगभग हैं। यहाँ पे प्राइस क्या क्या स्टार्ट होता है? प्राइस देखिए, प्राइस की अगर बात करते हैं तो यहाँ सबसे छोटा साइज जो है 1850 स्क्वायर फीट सबसे छोटा है यहाँ पे विला है। अच्छा, उसकी कॉस्ट लगभग, देखिए अब क्योंकि चीजें रीसेल में, तो उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि उसका प्राइस क्या है, क्या डिमांड कर रहे हैं आगे वाले। तो प्राइस मैं आपको वो बता देता हूँ अप्रोक्स, यहाँ प्राइस 1,20,00,000 से स्टार्टिंग है उसकी। अभी एक चीज मैंने और सुनी थी, अगर यहाँ पे कोई विला लेता है NBCC से लेता है तो उसको SBI का लोन मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है। अदरवाइज रीसेल में तो सारी सेल्फ फंडिंग है फिर? ये थोड़ा इशू है इसमें कि जो NBCC अभी डेवलप कर रही है उसमें तो आपको मिल जाएगा लोन, बाकी में थोड़ा सा लोन का इशू भी आता है। कैन वी आस्क क्वेश्चन टू सर? सर, इफ यू हैव 2 मिनट टाइम, वी जस्ट वांट टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज यू गेट फ्रॉम लास्ट? तो यहाँ पे जब आपने लिया था उस टाइम से डिफिकल्टीज कुछ आई नहीं 2009 में? मतलब आपने कब बुक कराया था ये? मुझे बुक नहीं किया, 2013 में आके लिया था। रीसेल पे लिया था आपने? रीसेल पे लिया था। अच्छा, तो उस टाइम पे बिल्डिंग बन चुकी थी, बस पेंट वगैरह सब कुछ आपने कराया? आपका मैंने बिल्डिंग नहीं बन चुकी थी, एक्चुअली रॉ स्ट्रक्चर था, ओनली वॉल्स वर दैट्स ऑल, अंदर कुछ भी नहीं था। तो अभी अंदर की प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे रोड वगैरह बने नहीं है, क्लब हाउस बनानी है, एमिनिटीज के नाम से, मतलब कुछ बना रही है अभी? अच्छा, लोगों ने केस जीता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया NBCC को बनाने के लिए, कुछ लोगों का पैसा रुका हुआ था, वो कलेक्ट करके NBCC ने उसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया, लगा भी दिया काफ़ी हद तक, काफ़ी बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, से यू नो 70% 75% कम्प्लीटेड, रोड्स रह गए, क्लब्स रह गए, और छोटी मोटी चीज़ें हो रही है। और सर, रजिस्ट्री हो रही है अभी? रजिस्ट्री NBCC जाने के बाद छोड़ खुला। अच्छा,
जब ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो एनबीसी ओपन कर देगा। आपका कौन सा साइज है सर? ये 25 फोर बी एच के मिला। तो ऐसी सोसाइटी और कोई है यहाँ? मेरे को तो अच्छी सोसाइटी लग रही है, फर्स्ट टाइम हमने विजिट किया है। मल्टी स्टोरी फ्लैट्स लाखों में है, लाखों में है, बट इस तरह की जड़ से ऊपर तक ऐसा नहीं है। और गेट टू बी तो ओपन वाइड रोड्स एंड ऑल, काफ़ी अच्छे पार्क वगैरह देख रहे हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा सोसाइटी? हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आप किसी और को रिकमेंड भी कर सकते हैं कि आप लेना चाहते हैं जो हमारे पास में? इसको चाहिए कम से कम, फ्लैट ले रही है 20 मंजिल का फ्लैट ले रहा है, एक करोड़ है वो ले रहे हो तो 125 में ये मिल रहा है, तो इसको लेना बेटर है। सही बात है, सही बात है। कल को पूरी जगह आपके पास है, वो तो हवा में तैर रहा है, अब क्या होगा आफ्टर 20 ईयर्स? क्या होगा, क्या होगा, किसी को पता नहीं। और फिर नीचे से ऊपर तक बनाने के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में, किसी कोई कहता मैं नहीं बनाने दूंगा, कोई कहता ठीक है बना लो। अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। यहाँ पर मेरी अपनी चीज़ में जब मर्जी तोड़ो, जब मर्जी बनाओ। सही बात है, कुछ सिमेट्री मांगता है कि हाँ इसको शेप चेंज नहीं करना, फसाद सेम सेम रहना चाहिए, तो ठीक है हम उसको चेंज नहीं करते, बाकी अंदर वो कुछ भी बना है। डन, थैंक यू सो मच सर। व्हाट इज द इनसाइट? विला बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से बनाए हैं। विला अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे विला हैं, हम बी ब्लॉक पे हैं इस टाइम पे। बी ब्लॉक पे ऑलमोस्ट लोग रह रहे हैं और जो ग्रीन एरिया छोड़ रखी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एरिया छोड़ रखी है। तो प्रोजेक्ट ओवरऑल अगर मैं लुक वाइज की बात करूँ, थीम वाइज की बात करूँ, तो बहुत ही अच्छे शेप में निकल के आता है। ये कुछ विलाज ऐसे पड़े हैं, खंडहर टाइप के पड़े हुए हैं, तो इन्हें हम भूल जाते हैं। और ये वाला जो लुक दिखता है आपको टैप करने के बाद, देखिए ये गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आपको घर बैठे एक ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो शायद आप जानते भी नहीं हो, अगर आप जानते हैं तो आपको घर बैठे चीजें पता चल जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है और लाइक भी करना बनता है। अगर आपको इस आम्रपाली लेजर वैली के अंदर कोई विला चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मेरा भी कांटेक्ट नंबर है और सोनू का भी है। और भी सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अगर आप एक होम बायर हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, विल कैच यू सून, बाय।